दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक डेटा लॉगर जो वेबडेन कंपनी का है उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि वो एक परफेक्ट कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस डिवाइस को पावर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है, जो आपको इसके राइट हैंड साइड में दिख रहा है, वो है इसका DC कन्वर्टर। तो अभी ये चलती हालत में है, तो आपको एक ग्रीन कलर की लाइट, इंडिकेशन लाइट आपको दिख रही होगी। तो ये जहाँ पे मैंने उंगली रखी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जहाँ से वो DC आउटपुट देता है, और ये इसका यहाँ पे फेज और न्यूट्रल हमें AC सप्लाई इसको देनी पड़ती है। तो ये आपकी DC सप्लाई हो गई और इस साइड नीचे की तरफ आपकी AC सप्लाई हो गई। तो यहाँ से हम आपको जो DC सप्लाई मिल रही है वो वेबडिन में इस सॉकेट में जाके लगती है, 27 और 28 नंबर पे वेबडिन पे, जहाँ भी आपके डिवाइस पे पेंच लगे रहते हैं वायर को फिक्स करने के लिए, वहाँ पे आपके नंबर मेंशन्ड रहते हैं। तो करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट करने के बाद हमारा चल रहा है डिवाइस। यहाँ पे आपका सिम कार्ड और ये एंटीना यहाँ पे लगता है, और ये आपका लैन पोर्ट है जहाँ पे आप अपनी लैन वायर कनेक्ट करते हैं और इस डिवाइस को लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस डिवाइस में सबसे पहले हम जानेंगे कि इस DC कन्वर्टर को हम कैसे चेक करते हैं और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि ये नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए मेरे पास एक क्लैंप मीटर है जिससे हम इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसके DC साइड में अपना क्लैंप मीटर लगाते हैं और देखते हैं कि हमें 24 वोल्ट DC मिल रहा है। ओके, हमने पॉजिटिव पे रेड इलेक्ट्रोड लगाया है, नेगेटिव पे ब्लैक लगाया, तो आप देखेंगे कोई माइनस का सिंबल नहीं दिख रहा है। अब AC साइड में लगाने से पहले हम अपने क्लैंप मीटर का सेटिंग चेंज करेंगे, उसे AC में ले आएंगे, रेंज बढ़ा देंगे इसकी। अब हम इसके AC साइड में चेक करेंगे कि इसे कितना AC मिल रहा है। तो आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे 236 वोल्ट AC इसको इस साइड पे मिल रहा है डाउन साइड में। तो ये तो हो गया इसके फिजिकल पैरामीटर्स की AC साइड कितना आ रहा है, DC साइड कितना आ रहा है। अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें चेक करेंगे। आप देखेंगे कि DC साइड से जो केबल निकल रही है वो करेक्ट पोलैरिटी में हमारे डेटा लॉगर वेबडिन में लगी है कि नहीं। तो 27-28 पॉइंट पे हम अपना क्लैंप मीटर कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, हमें उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना हमें उसके DC साइड से मिल रहा था। तो ये हो गया दूसरा तरीका चेक करने का कि हमारे DC कन्वर्टर से निकली पावर हमारे डेटा लॉगर जो कि वेबडिन है उस पर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब इसके बाद आपको अगर कुछ चेक करना होगा तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस जो DC कन्वर्टर है, DC कन्वर्टर में आपको एक छोटा सा डायल दिखेगा। DC कन्वर्टर में आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको एक छोटा सा डायल दिखेगा इसके सेंटर में जहाँ पे ग्रीन लाइट बनी हुई है। तो ये DC केबल से जो DC आउटपुट है उसको मैंने अभी अपने क्लैंप मीटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, तो आप क्लैंप मीटर में आपको 24 वोल्ट दिखा रहा होगा। ओके, यहाँ से उसे AC सप्लाई मिल रही है जो DC में कन्वर्ट होके हमारे डिस्प्ले में शो हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्रू ड्राइवर से ये जो DC का डायल दिया हुआ है जो कि एक पोटेंशियोमीटर है, उसको हम अप और डाउन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने में आप देख रहे हो कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज ये अचीव कर रहा है 28, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 20 तक ये जा रहा है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस इसको, इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है 20 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट तक। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा डेटा लॉगर है उसको 23 से 24 वोल्ट की ही DC सप्लाई चाहिए, ना ये उससे कम में चलेगा ना ये उससे ज़्यादा में चलेगा। तो कोशिश करिएगा कि 23 से 24 के बीच में एक वोल्टेज यहाँ पे इसमें मेंटेन रहे। अब इस डिवाइस में हम अपना लैन पोर्ट कनेक्ट करके देखेंगे
मगर उससे पहले हम इंश्योर करेंगे कि हमारे डिवाइस को प्रॉपर डीसी सप्लाई मिल रही है। तो उसके लिए इसके जो 27 और 28 पॉइंट है जहाँ पे हमने डीसी कन्वर्टर को कनेक्ट किया है, उसके कनेक्शन को हम प्रॉपरली इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉपरली टाइट है, लूज़ नहीं है। अब हमारे पास जो लैन केबल है, लैन पोर्ट, उसमें हम अपनी लैन केबल को लगाएंगे। ऑलरेडी लैन पोर्ट का अगला केबल मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे अपने डेटा लॉगर डिवाइस में दूसरा एंड लगा रहे हैं। देखिए, लगाते ही लैन पोर्ट में जो लाइट रहती है डेटा ट्रांसमिशन और पावर की, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, वो ग्लो करने लगी है। इसका मतलब हमारा लैन वायर जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। कभी कभी लैन वायर की भी फॉल्ट रहती है और ये लाइट ब्लिंक नहीं करती। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा डिवाइस ख़राब है, उस केस में हमें लैन वायर को रिप्लेस करना पड़ता है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को हम अपने लैपटॉप से कैसे एक्सेस कर सकते हैं और इसके पैरामीटर्स को चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने नेटवर्क सेटिंग में जाना पड़ेगा। नेटवर्क सेटिंग में जाने के लिए आपके लैपटॉप में आप या तो डायरेक्टली कंट्रोल पैनल से जा सकते हो, या तो आप अपने नेटवर्क सेटिंग जहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो उसमें भी आपको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जहाँ से हमने इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है वहाँ से हम नेटवर्क सिक्योरिटी सेंटर पे जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये हमें कंट्रोल पैनल पे ले जाता है नेटवर्क स्टेटस में। यहाँ पे आपको चेंज अडैप्टर ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे अलग अलग पैरामीटर्स हैं कनेक्शन के, पर हम ईथरनेट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ करने के बाद ईथरनेट पोर्ट के बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, पर हमें एक्सेस करना है TCP/IPv4, ओके, वर्जन 4। यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस और एक सबनेट एंटर करना है। आईपी एड्रेस आपका 192.168.1.10 रहेगा, डिपेंडिंग जो इस डिवाइस को असाइन किया गया है, और सबनेट मास्क आपको 255.255.255.0 डालना है। इतना करने के बाद आपको DNS सर्वर दोनों कॉलम छोड़ देने हैं, अल्टरनेट DNS सर्वर को भी ब्लैंक छोड़ना है, और यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है। पिछली विंडो में भी ओके करना है और इस विंडो को क्लोज़ करना है। यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे, इसे भी हम क्लोज़ करेंगे, और हम अपना कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेंगे। इस केस में मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है, और अब हम एक आईपी को पिंग करेंगे 192.168.1.12, ओके। आपको वेब ऐप लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 12 तक भी लिख के एंटर करेंगे तो आपका डायरेक्टली वेबडेन एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन होगा कंपनी की तरफ से, तो वो आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपका डिवाइस एक्सेस हो जाएगा। अब ये इस डिवाइस का होम पेज है जहाँ पे आप इसके सेटिंग में जाके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो सेटअप, और सेटअप के बाद है इंस्टॉल कंट्रोल ऑप्शन, अपग्रेड ऑप्शन, रीस्टार्ट ऑप्शन। तो अपग्रेड तो मैं बता दूँ, इसका वर्जन जो आप सॉफ्टवेयर वर्जन देख रहे हो ये अभी November 8, 2017 का ये लेटेस्ट वर्जन है। कोई अगर अलग सॉफ्टवेयर आता है तो आप अपग्रेड पे जाके उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो सेटअप में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है हमारी डिवाइस की आईडी। अब ये जो डिवाइस की आईडी है ये इस डिवाइस की मैक आईडी है, मतलब इसे रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है इसके सर्वर फाइल्स को। तो ये मैक आईडी इस डिवाइस के ऊपर जो बारकोड स्टिकर चिपका रहता है ऊपर की ओर, वहाँ पे भी मेंशन रहता है सेम मैक आईडी। तो जस्ट इन केस आप इस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, इसके जो फाइल्स या सर्वर पे अपलोड कर रहा है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो आप एक्सेस कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे हमें और कोई ऑप्शंस को चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड रहेगा। आईपी एड्रेस जो मेंशनड है, मास्क जो ऑलरेडी हमने एंटर किया था अपने डिवाइस में, तो ये ईथरनेट पोर्ट को अलॉटमेंट देने के लिए जो हमने अपने
सिस्टम में डाला था वही चीज़ है जो ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो आपको वहाँ में भी चेंज करना पड़ेगा। जो सिम कार्ड आप लगा रहे हो तो उसका APN एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ता है, और जिस सर्वर पे FTP सर्वर पे आप डालना चाहते हो इसके चाहते हो कि ये फाइल्स उस पर अपलोड करें तो FTP सर्वर डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। वहाँ से ये चीज़ डालने के बाद आपको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे ओके को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद वेबडिन थोड़ी देर के लिए डिवाइस रीस्टार्ट होगा और ये सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। उसके बाद आप कंट्रोल पे आ जाते हैं। कंट्रोल पे जो हमारा सिम कार्ड लगा होगा उसका स्टेटस दिखाएगा। अभी सिम कार्ड का स्टेटस रेडी दिखा रहा है और सिग्नल लेवल 31 दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपका सिग्नल लेवल बिलो 10 आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके सिग्नल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए या तो हम कोई दूसरे कंपनी का सिम कार्ड लगाते हैं या तो हम एक्सटेंडेड एंटीना यूज़ करते हैं इसके सिग्नल लेवल को बूस्ट करने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एक ये छोटा सा एंटीना लगा हुआ है, अगर ये काम नहीं करता तो हमें एक एक्सटेंडेड एंटीना लगा के इसके सिग्नल को बूस्ट करना पड़ता है ताकि ये स्मूथली जो यहाँ पे मॉडबस डिवाइस लगे हुए हैं इन्वर्टर या मीटर्स उनके डेटा को स्मूथली सर्वर पे अपलोड कर सके। इसको रिफ्रेश करके आप इसके स्टेटस को दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से आप इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स और मॉडबस भी चेक कर सकते हैं। मॉडबस पे आपके जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस डिवाइस से, जैसा कि इसमें एक डेल्टा का इन्वर्टर कनेक्टेड था, अभी के लिए उसे डिसकनेक्ट कर रखा है तो उसका स्टेटस रेड दिखा रहा है। अगर ये कनेक्टेड होता और मैं रिफ्रेश दबाता तो ये रेड क्रॉस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता। ओके, तो ये आपका मॉडबस डिवाइस हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट टर्मिनल मिल रहा है, तो आपके जो भी एनालॉग डिवाइस इससे जुड़े रहेंगे, एनालॉग मतलब आपके सेंसर्स और आपका थर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर डिवाइस, वो उसके आउटपुट आप इस पर चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हो इसका डायग्राम है, जहाँ पे 2728 पोर्ट पे हमने इस वेबडिन डिवाइस को DC सप्लाई दे रखी है। पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी 28 पे आपका पॉजिटिव रहेगा और 27 पे नेगेटिव। अब देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 40, 39, 38, 37, 36, 35। यहाँ इन पॉइंट्स में हम इसके रेडिएशन सेंसर कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये है एक रेडिएशन सेंसर जो कि मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर का भी काम करता है। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, आप देखोगे कि वायर की कलर कोडिंग मैंने इसमें कर रखी है। जो सेंसर से निकला वायर है, इसमें आपके 5 वायर होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक स्मॉल वाला थिन ब्लैक, जो कि इसे DC सप्लाई देता है 24 वोल्ट। ओके, जो कि आपका 38 और 37 पे लगेगा, 38 पे रेड लगेगा और 37 पे आपका थिन वाला ब्लैक लगेगा। तो आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो सेंसर है उसमें 24 वोल्ट DC जाने लगेगी। ये आपका थिक ब्लैक है जो 35 पे लगेगा, ये आपके अर्थिंग के काम आता है, आपके डिवाइस को प्रोटेक्शन देने के लिए। बाकी बची 2 वायर ऑरेंज कलर की जो 40 पे लगी है, ये रेडिएशन का डेटा देती है, तो ये आपकी ऑरेंज रेडिएशन का डेटा वायर के भी देगी। और ये आपका ब्राउन वायर है जो आपको मॉड्यूल का टेम्परेचर डेटा देगा, जो कि आपका 36 पे लग रहा है। तो ये वो वायर हो गई आपके बॉडी टेम्परेचर की। अभी हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि 43, 44, 45, 46 पे लगा है। हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं जिसमें आपका रेडिएशन सेंसर लगा हुआ है, जिसमें 5 केबल्स हैं। अब हम इन केबल्स को अपने डिवाइस में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे हम अपने पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई में भी हम ब्लैक केबल, जो थिन ब्लैक केबल है, उसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम पहले कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस में एज़ पर जो कनेक्शन डायग्राम हमारे पास दिया हुआ था। तो ये मैंने लूज़ कर लिया है पॉइंट जहाँ पे मुझे ब्लैक वायर लगाना था, और मैंने अपने सेंसर की ब्लैक वायर को लगा दिया है। इसे लगाने के बाद, नेगेटिव वायर को लगाने के बाद, हम पॉजिटिव रेड केबल को लगाएंगे,
ताकि हमारे सेंसर में स्मूथली डीसी पावर जो है वो जाने लगे। तो अभी मैंने रेड वायर को भी टाइट कर दिया अपने डिवाइस में, तो अब मेरे डिवाइस में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होने लगी है। अब मैं अपने डिवाइस को टेस्ट करूँगा मैन्युअली। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी 24 वोल्ट जो है सप्लाई कैसे मैंने कर रखा है, कि एक नेगेटिव को मैंने ब्लैक वायर पे रख रखा है और जो ऑरेंज केबल जो रेडिएशन का डेटा दे रही है उसको मैंने अपने दूसरे रेड इलेक्ट्रोड से जोड़ रखा है। तो यहाँ से हम जो है रेडिएशन के फ्लक्चुएशन को देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं सेंसर पे हाथ रखूँगा तो आप देखोगे कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 20, 19, हाथ हटाते ही वो वोल्टेज इंक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा सेंसर है वो लाइट के रेडिएशन जो उस पर एमिट हो रहा है और कवर करने पे अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो उस पर फ्लक्चुएशन दे रहा है। इसका मतलब मेरा सेंसर जो है स्मूथली काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे वेबडेन में मॉडेम में और कनेक्शन में हम कैसे इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ कनेक्शन में जाके आपके पास एक कनेक्ट बटन दिया हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी फाइल इसके अंदर 100 MB का जो स्टोरेज होता है, जो स्टैक हो जाता है, तो वो अपलोड होना स्टार्ट होता है। मतलब हम उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वर एंड पे। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो सिम कार्ड इस डिवाइस में लगा रहता है वो प्रॉपरली काम करता है तो आपकी फाइल स्मूथली अपलोड हो जाती है। और जिस टाइम इंटरनेट कनेक्शन हो रहा होता है उस एंटीना के बगल में जो आपकी वैन की लाइट लगी रहती है वो आपकी ग्लो करती है हर 10 सेकेंड्स के इंटरवल पे। तो अभी इस केस में सिम कार्ड लगा होने की वजह से होने के बावजूद भी वैन की लाइट आप देखोगे 10 सेकेंड के इंटरवल बाद ग्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं काम कर रहा है। आपको उस केस में इस सिम कार्ड को अपने फ़ोन में चेक करना पड़ेगा या दूसरा सिम कार्ड इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको फिज़िकली चेक करना है कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं तो आपको वैन की लाइट की ब्लिंकिंग चेक करनी है। यहाँ पे नहीं चल रहा है तो हमारा सिम कार्ड इसका मतलब इसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी जो भी फाइल्स इस डिवाइस में स्टोर हो चुकी हैं वो हमारे सर्वर पर अपलोड नहीं हो रही हैं। अभी आप देखोगे एक रेड कलर का स्टेटस आ गया है इसमें, ये एक FTP एरर है यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र फेल हो चुका है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है इस डेटा लॉगर का कि कैसे काम करता है और कैसे हम फेमिलियर हुए इसके सभी पार्ट से और कैसे इसे ट्रबल शूट कर रहे हैं।